पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने आरक्षण कानून में किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रीट याचिकाओं को स्वीकृति भी दे दी है। आपको बता दें कि इस फैसले को हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, जिसे आज सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई, जिसमें एसएससी, आईटी, ईवीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% की पदों पर सरकारी सेवा में दिया जा सकता है, जिसकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण भी शामिल है। इस मामले में अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट में पिछली बार अपनी दलील देते हुए कहा था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15 के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि था कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का ये निर्णय लिया गया है, न कि सरकार नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर ये निर्णय लिया गया है।